नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसी महीने 5 जनवरी 2022 को पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना घटी थी। भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से 20 मिनट एक फ्लाईओवर के ऊपर जाम करके रख दिया गया, उसमें पूरे पंजाब सरकार का क्या रोल था, मुख्यमंत्री चन्नी का क्या रोल था, कांग्रेस का क्या रोल था, और वहां के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू, उनका क्या रोल था, उस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हुई। काफी सारी जानकारी है, उसके जो भी जानकारी आई है, जो सबूत आए हैं, वो आपको हम इसी वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसे पूरा समझने के लिए ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, जिस तरह से आने वाले दो महीनों के अंदर 5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर, और ऐसी जो पूरी परिस्थिति है इसके अंदर, जिस तरह से प्रधानमंत्री को नीचे गिरा हुआ दिखाने का प्रयास किया गया, या फिर इस विषय में इन्होंने जो भी ये उल्टे सीधे प्रयास किए, और खालिस्तान के किस तरह से स्टेटमेंट आए, खालिस्तान के जो पन्नू वगैरह हैं, वो आपको हमारे पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे। पिछले 2 या 3 वीडियो हमने इसी विषय पर बनाए हैं। और ये जो कुछ धमकी आई, जो वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को धमकी, या वकीलों को धमकी कहिए, या इस तरह की पूरी जानकारी के जो भी वीडियोस ये मीडिया पूरी तरह से नहीं दिखाती है, वो हमने हमारे पिछले ही कुछ वीडियोस के अंदर आपके लिए दे दिए हैं, ताकि आप हमारे होम पेज पे जाकर के हमारे पिछले कुछ वीडियोस दे सकते हैं पिछले कुछ दिनों के। खैर, ये जो पूरी जानकारी आई, इसमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि खालिस्तान का या सिख फॉर जस्टिस का तो रोल है ही है, ये दोनों ही भारत विरोधी संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये दोनों के साथ वहां भारत का कोई, जब तक राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संगठन खड़ा नहीं होगा तब तक, और खास करके जो सत्ता में हो तब तक, ये लोग यहां पर कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत तो ये यहाँ पर बम ब्लास्ट स्पोर्ट वगैरह करवा सकते हैं, छोटे मोटे दंगे करवा सकते हैं, उससे ज्यादा ये आगे नहीं जा सकते। ये बात करते हैं मोदी जी से बदला लेने की, लेकिन इनके जो गठबंधन है किसके साथ है, पर्दे के पीछे से चाइना के साथ है, फाइनेंस तो वहीं से आता होगा। इनका सिचुएशन कहाँ कहाँ है, कैनेडा में संबंध है, अमेरिका में संबंध है, पाकिस्तान से संबंध है, तो पाकिस्तान द्वारा, यानी चाइना जो है पाकिस्तान द्वारा इन्हें फाइनेंस करता है, और ये जो पूरी जो रैकेट है, इसका संबंध कांग्रेस से भी आ सकता है और आता होगा। क्यों, इसका खुलासा उस वीडियो में तो है कि कांग्रेस जुड़ी हुई है, किस तरह से होने की संभावना है। अगर आपको याद होगा कि 2008 में जो 26/11 का कांड हुआ था, उसके पहले राहुल गांधी चाइना गए थे, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष या महासचिव जाकर के, और वहां सोनिया गांधी जी भी थी, यानी आप समझिए कि किस तरह के ये खेल खेले जा रहे हैं राजनीति में, जहां पे जो सबसे पावरफुल पोजीशन है भारत में, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री दफ्तर, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री का ओहदा, इसे समूचे विश्व में, पूरे दुनिया में नीचा दिखाने का काम में कांग्रेस इन्वॉल्व है। ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है एक व्यक्ति है जिनका वीडियो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको उसके आगे की जानकारी देंगे। आइए देखते हैं वो वीडियो। बात बोली है इसमें कि जब आप इनकॉम्पिटेंट अफसरों को डीजीपी लगा दो, देखो सबको पता था कि ये यूपीएससी के पैनल में नहीं आएंगे, और अगर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में रोज ट्रैवल कर रहे हैं, उनको तो कभी 20 मिनट कहीं रोका नहीं गया, उनके तो लिए सड़क जाम नहीं होती। जब उनके लिए आप रास्ता ढूंढ सकते और, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं ढूंढा गया? वो इसलिए नहीं ढूंढा गया क्योंकि एक प्लानिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कि ये प्राइम बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरेस करना, नहीं तो अगर पीपीसीसी प्रेसिडेंट जाता, आपने कोई खबर आई है कि 20 मिनट किसी सड़क के ऊपर फंसे हुए थे जीटी रोड पे, प्राइम मिनिस्टर कैसे फंस गए? सो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो एक
प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरे में डाल सकता है? मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ, मैंने तो एक नॉर्मल उदाहरण दिया है और मैंने फैक्ट्स के साथ बात करी है। आफ्टर ऑल आज चन्नी साहब ने उनको हटा दिया, पहले यूज करा, अब यूज एंड थ्रो करा। क्या लगता है कि इससे और इसकी अगर जब इंक्वायरी सही होगी तो आप देखोगे कि इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी जी अलोन, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स चेयर, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इज योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आपने सारी दुनिया में मजाक उड़ा दिया है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स थी। सो मेरा तो ये फंडामेंटल सवाल है कि जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे आप उनके तक पहुंचो ना सर, पंजाब ये जो क्योंकि ये प्लानिंग और प्लॉटिंग चीफ मिनिस्टर और पीपीसी के दफ्तर में हुई है, पंजाब को काफी होम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट से हुई है। पंजाब को कुछ दोस्तों अभी आपने देखा वो वीडियो क्लिप, इनका जो नाम बताया जाता है विक्रम सिंह मजीठिया, ये महासचिव हैं शिरोमणि अकाली दल पार्टी के। शिरोमणि अकाली दल वो पार्टी है जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, ना ही वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है। उनके जो मंत्री थे केंद्र सरकार में एक साल या उससे थोड़ा ज्यादा हो गया जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तब उन्होंने अपने मंत्री को केंद्र सरकार से हटा दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसे खत्म कर दिया और एनडीए से वो बाहर आ चुके थे। अब उन्हीं के ये महासचिव जो कि विधायक बताए जाते हैं, इनका नाम बताया हमने आपको, विक्रम सिंह मजीठिया, और ये विधायक है मजीठा से, मजीठा तालुका पंजाब का एक तालुका है। ये इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर से ये पूरी साजिश रची गई। इस तरह से जब वो स्पष्ट रूप से इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं तो ये समझने वाली बात है कि ये खुद एक विधायक है, इनके काफी सारे सूत्र होंगे और इनके काफी सारे वहां संबंध रहे होंगे, इतने सालों से ये राजनीति में है और एक्टिव पॉलिटिक्स में होने के बाद ये लाजमी है, एकदम नेचुरल बात है, कुदरती बात है कि इस तरह की जानकारियां, इस तरह के सबूत प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ऐसे हालात में इनका ये बयान क्या हल्के से लिया जाना चाहिए? क्या इसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है कि आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं इसमें कांग्रेस ने किस तरह से ये षड्यंत्र रचा था? क्योंकि पहले तो ये चन्नी साहब आ गए, ये कह रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच ही नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं वो, लेकिन जान का खतरा नहीं था। अब आप देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के फायरिंग रेंज में लाके, यानी दुश्मन देश के 10-20 किलोमीटर के अंदर ला करके एक जगह पर 20 मिनट रोक दोगे, तो इसी वजह से ये मजीठिया साहब क्या कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री का काफिला या फिर वहां के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, क्या उनको कहीं 20 मिनट रोका गया है आज तक? ये सिर्फ वहां की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत में अगर आप देखा जाए तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई मुख्यमंत्री हो, आज तक ऐसे कभी कोई बात घटना हुई नहीं कि किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्यपाल को 20 मिनट रास्ते में रोक दिया गया हो। यहां पर तो सिर्फ रास्ते में रोक नहीं दिया गया, इन्हें 20 मिनट लाइन ऑफ फायरिंग यानी रेंज ऑफ फायरिंग पाकिस्तान का, दुश्मन देश का, दुश्मन मुल्क का, दुश्मन राष्ट्र का, उसके अंदर रोक दिया गया। और ये चन्नी हो, कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, क्या ये भारत की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं? अभी भी ये राजनीति कर रहे हैं वहां पर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो, कहीं और हो, वो तोड़ करके गोवा में हो, ये अलग अलग पार्टियों में या कांग्रेस में ले लेना और फिर कह देना कि भारतीय जनता पार्टी का वहां अस्तित्व तो खत्म हो गया। क्या भारत की जनता इतनी मूर्ख है? क्या ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस तरह से बकवास करने के बाद में भारत की जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है आसानी से? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, ये दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब हर जानकारी जाती है जिन लोगों को लगता है कि हमारी टिकट इस पार्टी में हमें मिल नहीं पाएगी अगली बार आने वाले चुनाव में, वो दूसरे दल के साथ बात करके और वहां प्रवेश कर लेते हैं। और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो रही है, कांग्रेस के कई सारे नेता, कई सारे विधायक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, इस तरह की गतिविधियां हर जगह पर चल रही है। गोवा में, मणिपुर हो, उत्तराखंड हो, काफी सारे नेता जो है वो कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं।
लेकिन ये जानकारी मीडिया नहीं दिखाता। अब ये मीडिया बिका हुआ है या क्या है नहीं है, इसका फैसला आप कीजिए, आप इस विषय को तय कीजिए। खैर, हमारे सामने जो जानकारी आई थी कि किस तरह से ये कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा और उसके बाद में खुद को तो बचाने का पूरा प्रयास किया, मीडिया को मैनेज किया, और अब भारतीय जनता पार्टी का बदनामी, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तरीके से हर तरीके से बदनाम करने पे तुली हुई इस कांग्रेस के जो चाले हैं वो तो आप खुद देख रहे हैं इस मीडिया के द्वारा। खैर, ये जानकारी आपके सामने रखना हमारा एक फर्ज था और हर भारतीय का अधिकार है कि वो इस राजनीति के पीछे की पूरी पूरी सच्चाई जाने और समझे। आने वाले समय में ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें हमारी एक अपील है इन 5 ही राज्यों के जो मतदाता है, वहां की जो जनता है, कि आप जरूर इस हकीकत को पूरी तरह समझे और सभी के साथ शेयर करें। और हमारी हमारे सभी दर्शकों से ये खास विनती है, खास निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि भारत के हर नागरिक तक ये जानकारी पहुंच पाए कि क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, किस तरह से राजनीति में जनता को गुमराह करने का और बेवकूफ बनाने के षड्यंत्र रचे जाते हैं और अमल में लाए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारे इस वीडियो का आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।